जानकारी, बहुत शुक्रिया। और कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्तियों का सही वितरण न देने और डीआरजीओ से सौदे का पैसा विदेश में भेजने के मामले में माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई थी।